जयपुर में करीब 11.5 साल पहले 13 मई 2008 की शाम जयपुर के लिए वो काली रात थी जिसका मंजर आज भी आंखों के सामने आता है तो रूह कांप जाती है। वो शाम कोई भी भूले नहीं भूल सकता। धर्मनगरी और छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध जयपुर रोज की तरह अपनी मस्ती में मग्न था। जबरदस्त भीड़ भाड़, हमेशा की तरह सड़कों पर जाम, मोहल्ले में मंदिर मस्जिद पर जबरदस्त भीड़ थी। लेकिन अचानक ये मंजर पल भर में एक दर्दनाक मंजर में बदल गया। जी हाँ, 13 मई की उस रात एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे। चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार व सांगानेरी गेट, इन जगहों पर ब्लास्ट के बाद वो मंजर था जहाँ पल भर में सड़कों पर खून की नदियां बहने लग गई, हर तरफ लाशों के ढेर बिछ गए। उस दर्दनाक रात को करीब 186 लोग हुए थे घायल और ना जाने कितने लोगों की जाने गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 8 मुकदमे दर्ज किए गए थे। साथ ही इस मामले में प्रदेश की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 4 आरोपी फिर भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। फरार 4 आरोपियों में से एक आरोपी को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसे राज्य की ATS ने उसे अब तक रिमांड पर नहीं लिया है। उसी के साथ जहां मामले में विशेष कोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार और पक्षकारों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब इस मामले को लेकर 18 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। वहीं सबको अब 11 साल पहले के इस फैसले का इंतजार है और अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाती है। स्पेशल डेस्क से नवदेश टीवी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।